नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको कि हम शॉर्ट में ARDS भी कहते हैं। तो ARDS क्या है? रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और एक्यूट होता है ये। ARDS इज़ ए लंग कंडीशन इन विच ट्रॉमा टू द लंग्स लीड्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स। एक लंग कंडीशन है ये, इसमें जिसमें कि लंग का जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से लंग में इन्फ्लामेशन होता है और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द एल्वियुलर एयर सैक, जो एयर सैक्स होते हैं लंग में, उनमें फ्लूड का एक्यूमुलेशन, फ्लूड इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, और लो ब्लड ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सही तरीके से नहीं हो पाता फ्लूड की वजह से, और इस वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, मीन्स रेस्पिरेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये हो गई एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की डेफिनेशन, कि ARDS इज़ ए लंग कंडीशन इन विच ट्रॉमा टू द लंग्स लीड्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द एल्वियुलर एयर सैक, लो ब्लड ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब नेक्स्ट आता है कि जो ARDS है ये कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग एक तरह से इमरजेंसी कंडीशन है ARDS। अब जो ARDS है उसमें एक बर्लिन डेफिनेशन होती है ARDS की, और ये इस तरह से होती है, इनमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट होता है लेवल ऑफ सीवियरिटी, यानी जो ARDS है वो कितनी सीवियरिटी में प्रेजेंट है। टाइमिंग मीन्स यदि इंजरी हुई है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो उसके कितने टाइम बाद में ARDS डेवलप होता है। यूजुअली ये 24 to 48 hours में डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इमेजिंग में एक्सरे और सीटी ऑफ चेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि कितनी ओपेसिटी है लंग के एक्सरे में या फिर सीटी में, और ओरिजिन ऑफ एडीमा, एडीमा का ओरिजिन क्या होता है। तो जो ARDS की बर्लिन डेफिनेशन है उसमें ये चार चीज़ें शामिल होती हैं, लेवल ऑफ सीवियरिटी, टाइमिंग, इमेजिंग एक्सरे और सीटी ऑफ चेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ एडीमा। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ARDS। तो कॉजेज क्या होते हैं इसका? तो सेप्सिस एंड न्यूमोनिया अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ केसेस। सेप्सिस की वजह से और न्यूमोनिया की वजह से 60% केस उसके ओरिजिन होते हैं ARDS की। अब कॉजेज में हमें दो भागों में बांटा है इसको, डायरेक्ट लंग इंजरी और इनडायरेक्ट लंग इंजरी। डायरेक्ट लंग इंजरी में, लंग में डायरेक्ट ट्रॉमा होता है, जैसे कि ट्रॉमा टू द लंग्स, या फिर एसिड एस्पायरेट कर लिया है, एसिड इनहेलेशन कर दिया है, उसकी वजह से ट्रॉमा हुआ लंग को, और निमोनिया, तो ये आ जाते हैं डायरेक्ट लंग इंजरी में। और जबकि इनडायरेक्ट लंग इंजरी में क्या आते हैं? इनडायरेक्ट लंग इंजरी में कोई भी डिजीज़ है उसकी वजह से सेप्सिस हुआ है, या फिर पैंक्रियाटाइटिस की वजह से, या फिर बर्न की वजह से, तो ये हो जाती है, इनसे इनडायरेक्ट लंग इंजरी कॉज होती है। तो कॉजेज में हमने पढ़ा कि सेप्सिस और निमोनिया 60% ARDS के लिए, केसेस के लिए जिम्मेदार हैं, और दो भाग हैं इसकी, डायरेक्ट लंग इंजरी और इनडायरेक्ट लंग इंजरी। नेक्स्ट पॉइंट है ARDS ऑफन अकर्स अलोंग विद द फेलियर ऑफ अदर ऑर्गन्स सिस्टम सच द लीवर और द किडनी। ARDS चूँकि लंग को इन्वॉल्व करता है तो उसकी वजह से जो और सिस्टम हैं उनको भी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, तो उनमें भी डैमेज होता है, जैसे कि लीवर फेलियर हो सकता है और किडनी फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ARDS टिपिकली अकर्स इन पीपल हु आर क्रिटिकली इल। ऐसी बीमारियां हैं जो कि क्रिटिकल हैं पेशेंट के,
तो उनमें ए आर डी एस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और हु हैव सिग्निफिकेंट इंजरीज या फिर उनके बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं तो ए आर डी एस रिलेटेड है क्रिटिकली इल पेशेंट से। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स ऑफ ए आर डी एस। तो सिम्टम इसके रिलेटेड होते हैं लंग से ही, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ की शॉर्टनेस हो जाती है सीवियर, और इस वजह से क्या होता है लेबर्ड एंड यूजुअली रैपिड ब्रीदिंग, टैकिपनिया हो गया, ये तेज तेज सांस लेने लगता है पेशेंट और उसको लेबर्ड मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है सांस लेने में, लो बीपी हो जाता है इसका, कन्फ्यूजन एंड एक्सट्रीम टायर्डनेस हो जाती है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्टिफ हो जाते हैं लंग, और आर्टेरियल हाइपोक्सीमिया ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और टैकीकार्डिया और जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेबर एंड यूजुअली रैपिड ब्रीदिंग, लो बीपी, कन्फ्यूजन एंड एक्सट्रीम टायर्डनेस, स्टिफ लंग, आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया एंड टैकीकार्डिया। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है ए आर डी एस से, तो ये है ब्लड क्लॉट, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो चलने फिरने में अनेबल होता है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, डी वी टी वगैरह हो जाते हैं पेशेंट के, कॉलेप्स लंग, ट्रॉमा की वजह से न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो सकता है, लंग कॉलेप्स हो सकते हैं, और इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, जैसे कि न्यूमोनिया के केस में या फिर ट्रॉमा से इन्फेक्शन हुआ है उसको स्कारिंग यानी पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं होती तो वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, और वेंटिलेटर इसमें यूज करते हैं इसलिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया भी उसमें डेवलप हो सकता है। तो मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं एआरडीएस की, ये हैं ब्लड क्लॉट, कॉलेप्स लंग या फिर न्यूमोथोरेक्स, इन्फेक्शन, स्कारिंग मीन्स पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं एआरडीएस का, तो एबीजी एनालिसिस करते हैं, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज देखी जाती है, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में सीबीसी और बीएनपी जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, ब्लड एंड यूरिन कल्चर करते हैं, इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी करते हैं किन्हीं किन्हीं पेशेंट में, चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, स्पूटम कल्चर एंड एनालिसिस, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन, ये इसका स्पेसिफिक फीचर होता है एआरडीएस का कि ऑस्कल्टेशन में हमें क्रैकल्स सुनाई देते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में जो एआरडीएस का ट्रीटमेंट का मुख्य हिस्सा है वो है कि जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं पहले उनका आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, जैसे सेप्सिस है तो पहले सेप्सिस का ट्रीटमेंट और आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में एआरडीएस का ट्रीटमेंट इज मेनली सपोर्टिव अंटिल द लंग रिकवर, सपोर्टिव टाइप का ट्रीटमेंट होता है जबकि जब तक कि लंग रिकवर नहीं होते, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं इसमें हम, मैकेनिकल वेंटिलेशन इसमें दिया जाता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है, और पीएफटी दी जाती है इसमें, पल्स ऑक्सीमेट्री चेक की जाती है, हाइपोवोलेमिया मस्ट बी केयरफुली ट्रीटेड, हाइपोवोलेमिया है उसको केयरफुली ट्रीट किया जाता है, प्रॉन पोजिशन इसके लिए स्पेसिफिक है, इसके अलावा सेडेशन एंड पैरालिटिक एजेंट इसमें हम देते हैं। तो ये आ गया ट्रीटमेंट में कि आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन, एंडोटेकियल इंट्यूबेशन, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, मैकेनिकल वेंटिलेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पीएफटी, पल्स ऑक्सीमेट्री, हाइपोवोलेमिया केयरफुली ट्रीटेड, प्रॉन पोजिशन, सेडेशन एंड पैरालिटिक एजेंट्स। इन्फेक्शन की कंडीशन में हम एंटीबायोटिक देते हैं टू ट्रीट एन इन्फेक्शन और पेन मेडिकेशन फॉर पेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, तो नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें क्या क्या बनते हैं एआरडीएस के केस में, तो इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस,
क्योंकि फ्लूड भरा रहता है तो एयर वे क्लियरेंस प्रॉपर नहीं होता, तो इनफेक्टिव एयर वे क्लियरेंस, इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होती इसलिए इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। थर्ड वन है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, प्रॉपर एक्टिविटी पेशेंट नहीं कर सकता। एंजाइटी रिलेटेड टू ARDS, उसको टेंशन होती है, रिस्क फॉर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गए नर्सिंग डायग्नोसिस, इनफेक्टिव एयर वे क्लियरेंस, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एंजाइटी एंड रिस्क फॉर इंजरी। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये पॉइंट शामिल हैं, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कॉज ऑफ द अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रेस्क्राइब, जिस तरह से प्रेस्क्राइब की गई है उस तरह से एडमिनिस्टर करना ऑक्सीजन को, रेस्ट्रिक्ट फ्लूड इनटेक एज प्रेस्क्राइब, फ्लूड जो मैनेजमेंट है वो जैसा प्रेस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना, प्रोवाइड रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड, रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट किस तरह से ऑक्सीजन देनी है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से रिलेटेड, मैकेनिकल वेंटिलेशन से रिलेटेड जो प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज प्रेस्क्राइब्ड, इन्फ्लामेशन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फ्लूड ओवरलोड है तो डायूरेटिक और एंटीकोगुलेंट फॉर ब्लड क्लॉट्स, तो जिस तरह से प्रेस्क्राइब है उस तरह से इनको पेशेंट को देना। नेक्स्ट है प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन यूजिंग पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, पीप के यूज़ करते हुए मैकेनिकल वेंटिलेशन से रिलेटेड प्रिपेयर करना पेशेंट को इंट्यूबेशन के लिए या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन से जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है। तो ये आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट में। ये पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कॉज ऑफ द अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रेस्क्राइब्ड, रेस्ट्रिक्ट फ्लूड इनटेक एज प्रेस्क्राइब्ड, प्रोवाइड रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड, एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज प्रेस्क्राइब्ड, पेयर द क्लाइंट फॉर इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन यूजिंग पीप। तो ARDS में हमने मेन पॉइंट ये पढ़े,